ये है उन लोगों के लिए जिनके पास एक मोबाइल है जिसमें एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप नहीं है लेकिन लिनक्स की फीलिंग लेना चाहते हैं, लिनक्स वाले टर्मिनल की फीलिंग लेना चाहते हैं। तो हाल ही में मुझे एक ऐसी ही ऐप मिली, ये ऐप स्टूडेंट्स के माध्यम से मिली और मुझे अच्छी लगी। मुझे नहीं पता ये ऐप रियल में कैसी और कब तक चलेगी, फिलहाल ये चल रही है। इसका डेडिकेटेड एक वेब पेज भी बना हुआ और काफ़ी अच्छे से काम भी कर रही है। इसे मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी, उनको यहाँ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा। इस ऐप का नाम है ट्रमक्स, TERMUX। ये मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो मेनली सी प्रोग्रामिंग लर्नर्स के लिए दूंगा, जो सी प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। हालांकि इसके लिए और भी बहुत सारी ऐप हैं, लेकिन जो मुझे लिनक्स जैसी लगी उस ऐप की यहाँ बात करूँगा। मैंने कुछ चीज़ें चेक की जो अच्छी लगी वो बता रहा हूँ। उनमें मुझे जहाँ तक लगा ये आपका कोई प्राइवेट डाटा यूज नहीं कर रही, ये ऐप कुछ स्टोरेज स्पेस आपके मोबाइल का यूज कर रही है, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं कर रही, अभी तक ऐसा है। बाकी यदि बैकग्राउंड में कुछ कर रही है तो मुझे पता नहीं है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका है, प्ले स्टोर ओपन करो, प्ले स्टोर को ओपन करके उसमें सर्च का ऑप्शन जो है उसमें TERMUX लिख कर सर्च करेंगे तो एक ब्लैक बॉक्स जैसा आइकन वाला सबसे ऊपर ऑप्शन हमें मिलेगा ट्रमक्स का, उस पर क्लिक करें। और जैसा कि कितना इजी है एंड्रॉयड में ऐप इंस्टॉल करना, उतना ही इजीली इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके लिए जो मैं सी प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर भी साथ में इंस्टॉल करवाऊँगा तो ये दोनों मिला के लगभग 400 MB स्पेस अपने मोबाइल में फ्री होना चाहिए और लगभग इतना ही इंटरनेट से डाटा डाउनलोड करेगा, इसलिए इतना डाटा भी अपने पास अवेलेबल होना चाहिए। यदि नहीं है तो कहीं इसकी व्यवस्था करें और बाद में इंस्टॉल करने की कोशिश करें। ये ट्रमक्स क्या है, तो इनकी खुद की वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये टर्मिनल इमुलेटर है, मतलब ये हमें एक टर्मिनल जो लिनक्स में टर्मिनल जो फैसिलिटी देता है वैसी फैसिलिटी देने वाला एक ऐप है। हम जब इसमें प्ले स्टोर में सर्च करेंगे ट्रमक्स तो हमें मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये अपनी डिटेल दिखाएगा, जिसमें ये दिखा यहाँ गूगल प्ले स्टोर दिखा रहा है कि इसको 4.5 स्टार मिले हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है और रिव्यूअर्स भी लगभग 30,000 हैं जो काफ़ी अच्छा है। मैंने कभी इस तरह के रिव्यू नहीं किए हैं, स्टार भी सामान्यतः नहीं देता हूँ, लेकिन सामान्यतः लोग अपना यूज करके अपने अनुभव के आधार पे इस तरह के रिव्यू देते हैं। मैं कई और वेबसाइट्स पे देता हूँ लेकिन गूगल प्ले स्टोर पे किसी ऐप को आज तक रिव्यू नहीं दिया, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन फिर भी इतना रिव्यू मिलना अच्छा ही होता है। मैंने लगभग 1 घंटे इस ऐप को काम में लेकर देखा है, कई चीज़ें देखी हैं, उनमें से कुछ यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। बहुत चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी जो एक मोबाइल में थोड़े से स्पेस में हमें इस तरह की सुविधा दें। इसको इंस्टॉल करने जब इंस्टॉल पर हम क्लिक कर देंगे तो ये इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होते समय ये हमें कैंसिल का ऑप्शन देता है, ओपन का ऑप्शन दिखाता है लेकिन वो चूंकि ये इंस्टॉल हुआ नहीं है तो उससे पहले ओपन होगा नहीं। और ये इंस्टॉल करने से पहले कुछ डाटा डाउनलोड करेगा। इन्होंने क्लेम कर रखा है कि ये ऐप एंड्रॉयड 5 या इससे बाद के वर्जन्स पे काम करेगा, मैंने इसको एंड्रॉयड 8.0.0 में टेस्ट किया है।
जब ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो प्ले स्टोर में हमें अनइंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन मिलेगा। हम वहाँ से चाहें तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, हम चाहें तो ओपन बटन पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्यतः जैसा कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जो भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता है, ऐप लिस्ट में भी आ जाता है, तो वहाँ पर भी हमें एक ब्लैक बॉक्स जिसमें ग्रेटर देन या एक एंगल ब्रेसेस, क्लोजिंग एंगल ब्रेसेस और एक आगे पॉइंटर जैसा साइन, इस तरह का एक आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ तक का इंस्टॉलेशन इसका कुछ केबी में हो जाता है, मतलब यहाँ तक अपने मोबाइल में इसने बहुत कम स्पेस का ले रखा है। जो ही हम इसको ओपन करते हैं ये कुछ एक चीज़ें इंस्टॉल करता है। लिनक्स में भी ये सिस्टम होता है, जब हम सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करते हैं तो वो कुछ सेटिंग्स करता है, जो शॉर्टकट हमने डिफाइन करके वो भी अपडेट करता है। हालांकि कंप्यूटर में ये प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है, इसलिए सामान्यतः टर्मिनल ओपन करते समय हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन कई बार ये प्रोसेस ज़्यादा होने पर टर्मिनल में प्रॉम्प्ट आने से पहले कई बैकग्राउंड प्रोसेस रन होती हैं और उसमें कई बार टाइम भी लगता है। यहाँ ये पहली बार जब ओपन करेंगे तब ये भी कुछ सेटअप करेगा, हमें स्क्रीन पर इंस्टॉलिंग दिखाएगा, लेकिन ये वो बैकग्राउंड में टाइम लेगा और ये इसको इंस्टॉल करेगा, कुछ एक चीज़ें इंस्टॉल करेगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है इसमें इसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने चेक नहीं किया है, तो आप अपना इसमें चेक करके देख लें। हालांकि मुझे लगता है इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंस्टॉलेशन का पार्ट पहले हो चुका है, फिर भी आप अपने स्तर पर चेक करें। जो ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगी हमें कुछ ये अपने बारे में डिटेल बताएगा, जिसमें लिखा हुआ वेलकम टू टर्मिनल, इसकी भी की देखनी है, मतलब इसके बारे में देखना है, तो https://wiki.termex.com पर है। इस कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी फॉर्म, मतलब हमें कोई समस्याएं हैं वो हम कहाँ पूछें, तो ये termex.com/community पे लिख सकते हैं। और हम लाइव चैट करना चाहें तो उसके लिए हमने gitter.im/termex/termex ऐसा कुछ दे रखा है। और IRC चैनल, ये ऑनलाइन हम कोई भी चीज़ जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें जनरली ऐसा होता है, तो उनके लिए हम कभी भी कुछ लिखें तो वो ऑनलाइन उसका रिप्लाई कर देते हैं, तो ये ऑप्शन यदि हम देखना चाहें तो ये हमें कह रहा है कि #termex टैग पे ये मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें जो दिखा रखा है पैकेजेस, तो पैकेज सर्च करने के लिए हमें कमांड रन करनी होगी pkg /search/, जो भी सर्च करना है। इंस्टॉल करने के लिए pkg install package का नाम, और अपग्रेड करने के लिए pkg upgrade, ये कमांड्स हैं। हालांकि ये कमांड तब रन होंगी जब इंटरनेट चल रहा हो, मुख्यतः इंस्टॉल वाले, हालांकि हम कहीं और से डाउनलोड करके उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा रूट और अनस्टेबल और X11 जो रिपोजिटरीज जो हैं उनके बारे में भी इसने कह रखा है, और साथ में लिख रखा है यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू देखने को मिले तो उसको termex.com/issues पे रिपोर्ट करें, वहाँ आप लिख सकते हैं। कुछ सेकंड्स में इंस्टॉल होने के बाद में ये काम करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ किस तरह का ये दिखाई देगा, ये मोबाइल का स्क्रीनशॉट है। और उसके बाद में इसमें कुछ और ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनमें एस्केप की है, कंट्रोल, दो एरोज हैं, CTRL लिखा है, ALT लिखा है, बाद में एक लाइन डैश जैसी लाइन है, बाद में दो एरो कीज हैं, पहली डाउन एरो की है, बाद में अप एरो की है। अब हम इनको देखते हैं, समझते हैं ये क्या है। तो मैं इस पार्ट को थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये जो नीचे एक्स्ट्रा की ESC जो लिखा रहा हूँ किस तरह से है। तो इसमें ESC सिंपल कीबोर्ड पे जो एस्केप की होती है वो है,
जब हम टर्मिनल काम में लेते हैं, ये एस्केप कंट्रोल और एल्ट की तीनों बहुत काम आती हैं, टेब की भी बहुत काम आती है, अप और डाउन एरो की भी बहुत काम आती हैं। सामान्यतया ये कीज़ अपने मोबाइल के कीबोर्ड पर नहीं आती, इसलिए ट्रमैक्स डेवलपर्स ने इनका शायद ध्यान रखा है और ये चीज़ें हमें दी हैं, इससे ट्रमैक्स और ज़्यादा यूजफुल हो जाए। तो ESC कीबोर्ड पे जो एस्केप की काम करती है वो करेगा, जो दो एरो के निशान हैं वो टैब की का निशान है, और टैब TAB टैब की जो काम करती है वो इनसे होगा। इसके बाद में CTRL लिखा हुआ है नॉर्मल कीबोर्ड पे जो कंट्रोल की होती है वो काम करेगी, ALT लिखा है वो कीबोर्ड के एल्ट की अल्टरनेटिव की तरह काम करेगी, हाइपन लिखा है वो हाइपन या माइनस का निशान जो कीबोर्ड में होता है वो क्या काम करता है वो काम करेगा। इसके अलावा डाउन और अप एरो की हैं, वो कीबोर्ड के ही डाउन और अप एरो की तरह बिहेवियर करेंगे, उनकी तरह व्यवहार करेंगे। हमें यहाँ सी प्रोग्रामिंग के लिए खासकर सीखना है, तो सी प्रोग्रामिंग के लिए हम GCC यदि कंपाइलर काम में लेते हैं तो वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड नहीं है, इसके लिए हमें अब कोई कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पैकेज में उपलब्ध कंपाइलर है CLANG, इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें टाइप करना पड़ेगा PKG install CLANG। यहाँ डॉलर साइन पहले से है जो प्रॉम्प्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये प्रॉम्प्ट है लिनक्स में टर्मिनल में ये प्रॉम्प्ट पूरा यूजर नेम सबके साथ आया होता है, यहाँ पर सिर्फ एक डॉलर साइन आया हुआ है जिससे ये ज़्यादा प्रॉम्प्ट स्पेस ना गिरे और प्रॉम्प्ट भी रहे। ये सीलिंग जो है वो GCC और G++ दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा, मतलब हम सी और C++ दोनों प्रोग्रामिंग यहाँ कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने से पहले हम सी या C++ को कंपाइल नहीं कर पाएंगे, और GCC की जगह CLANG भी एज ए कंपाइलर काम करेगा, हालांकि G++ की जगह नहीं करेगा, वो हम आगे देखेंगे। आप कोई और सॉफ्टवेयर या पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, जिसका भी एक नमूना आगे दिखाऊंगा। जब हम ये कमांड रन कर देते हैं PKG install CLANG, तो ये इसको चेक करता है, इस पैकेज को चेक करता है जिसमें कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है, और जब ये चेक पूरा कर लेता है उसके बाद में ये हमें दिखाता है Do you want to continue, यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखा रहा है कि इस ऑपरेशन में 199 MB स्पेस अपने मेमोरी कार्ड का यूज होगा, अपने मोबाइल की इंटरनल मेमोरी से यूज होगा, और इसके लिए 34.9 MB डाटा ये इंटरनेट से डाउनलोड करेगा, और उसमें नॉर्मली लिनक्स में इस तरह से दिखाता है, और वो ही यहाँ ये पूरा दिखा रहा है, और इसके लिए अपनी परमिशन मांग रहा है कि क्या आप ऐसा चाहते हो। ऑब्वियसली हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना है तो हमें यहाँ यस करना होगा, तो वाई प्रेस करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। अब ये यहाँ पर इस समय इसको इंटरनेट से डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ये हमें जैसे दिखा रहा था 34.9 MB डाटा डाउनलोड करेगा, तो लगभग 34-35 MB डाटा डाउनलोड करेगा, और अपने इंटरनल मेमोरी में 199 MB स्टोरेज स्पेस कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये CLANG सॉफ्टवेयर है वो अपनी फाइल्स रखेगा। यहाँ ये 34 MB डाटा डाउनलोड होने में जितना समय लेगा ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, ये समय कम करने के लिए, ये टाइम कम करने के लिए आपको उस जगह पर ये इंस्टॉल करना है जहाँ पर आपकी डाटा स्पीड अच्छी हो, जिससे इसमें समय इसमें लगने वाला टाइम कम होगा। मुझे इसमें लगभग एक मिनट लगा, क्योंकि मैं जहाँ ये इंस्टॉल कर रहा था मेरी डाटा स्पीड काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद में ये इंस्टॉल होने में कुछ टाइम ले लेगा, इंस्टॉल डाउनलोड होने में कुछ टाइम ले लेगा, जब डाउनलोड हो चुका है उसके बाद में इंस्टॉल करेगा जो अपने मशीन की माइक्रो प्रोसेसर और रैम, इन पर निर्भर करेगा, इन पर डिपेंड करेगा।
यदि ये अच्छे हैं, अपडेटेड हैं, लेटेस्ट हैं, तो ये बहुत फास्टली इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉलेशन के टाइम नीचे एक पट्टी में दिखाएगा, ग्रीन पट्टी में प्रोग्रेस और कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है वो परसेंटेज में दिखाएगा। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में वापस वो ही प्रॉम्प्ट आ जाएगा, प्रॉम्प्ट मीन्स डॉलर साइन आ जाएगा और डॉलर साइन मतलब अपना प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है। ये बेस्ट सेल पे काम करता है। बेस्ट सेल नॉर्मली आजकल सबसे पॉपुलर जो सेल है, सेल स्क्रिप्ट जो जानते हैं वो इसको समझ पाएंगे, अन्यथा इसको इग्नोर करेंगे। सेल का मतलब क्या है, तो ये बेस्ट सेल है। अब ये पैकेज जो इंस्टॉल हो गया है, हम सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करने के लिए इसको तैयार हो चुके हैं। अब हम अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं। कंप्यूटर लैब में मैं सजेस्ट करता हूँ EMACS, ईमैक्स एडिटर, लेकिन यहाँ ईमैक्स एडिटर इंस्टॉल करेंगे तो ये लगभग 200 MB और डाटा यूज करेगा, इसलिए मैं उसकी बजाय सजेस्ट करूँगा कि यहाँ VI एडिटर काम में लो। VI एडिटर के लिए हमें कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बिना कुछ इंस्टॉल किए भी VI एडिटर यहाँ काम करेगा। हालांकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो मैं आगे बता दूंगा, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, लेकिन वो बहुत माइनर प्रॉब्लम, बहुत छोटी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक प्रोग्राम लिखने के लिए हम जहाँ EMACS लिखते हैं लैब में, वहाँ पर यहाँ VI लिखेंगे। VI कंप्यूटर लैब में जैसे हम LS लिखते हैं, नॉर्मल लिनक्स मशीन में LS लिखते हैं तो वो लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज देता है। इस टर्मिनल इमुलेटर में हम LS लिखेंगे तो अभी हमें खाली दिखाई देगा, क्योंकि हमने कुछ कोई फाइल या डायरेक्टरी यहाँ नहीं बनाई है। जो हम बनाएंगे उसके बाद वो दिखने लग जाएंगी। आप चेक कर सकते हो mkdir से डायरेक्टरी बना के, बाद में LS लिख के चेक कर सकते हो। आप कोई फाइल बना सकते हो, इसके लिए टच कमांड पहले बताई थी। यहाँ पर हम सिंपल टेक्स्ट एडिटर VI एडिटर काम में लेने वाले हैं, तो उस टेक्स्ट एडिटर को काम में लेते हुए जैसे हम एक पहला प्रोग्राम लिखते हैं vi space hello.c। यहाँ हम m% यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर VI एडिटर में जो भी फाइल ओपन होती है वो टर्मिनल के अंदर होती है, मतलब ये ट्रमक्स इम्यूलेटर जो टर्मिनल इम्यूलेटर है उसमें ही ओपन होगी। यदि हम m% लगा देंगे वो बैकग्राउंड में ओपन होगी, जबकि बैकग्राउंड यहाँ ओपन होगा नहीं, तो इसके लिए यहाँ m% यूज ना करें। इसके बाद में हम देखते हैं, हम जो ही कमांड रन करते हैं vi space hello.c और जो ही एंटर की प्रेस करते हैं ये ओपन होता है, जिसमें लेफ्ट साइड में हमें बहुत सारे टिल्डे साइन दिखाई देते हैं। नीचे हमें hello.c लाइन नंबर 1 और 100% मतलब हमें जो लिखा हुआ वो पूरा दिख रहा है। यदि हम लंबा प्रोग्राम लिखेंगे तो ये बताएगा कि इतना परसेंट आपको दिख रहा है, अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब पूरा दिख रहा है, मतलब वो 100% दिख रहा है। यहाँ पर हम आ गए हैं। अब हम थोड़ा सा VI एडिटर के बारे में बात कर लें। VI एडिटर 3 मोड में काम करता है, एक है कमांड मोड, एक है इंसर्ट मोड, एक है कमांड लाइन मोड। कमांड मोड अभी ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये कमांड मोड में है। कमांड मोड में मतलब हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी कोई की प्रेस करेंगे वो ये एज ए कमांड काम करेगी। कुछ कमांड्स आगे बताऊंगा, कुछ अभी बता रहा हूँ। कमांड मोड से हमें इंसर्ट मोड में जाने के लिए कुछ स्पेशल कीज हैं जो प्रेस करते हैं, जिनमें लोअर केस और अपर केस आई प्रेस कर सकते हैं, लोअर केस और अपर केस ए प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर शुरुआत में जब प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं चारों की सेम बिहेवियर दिखाएंगी, क्योंकि इनका बिहेवियर क्या है, जब हमने प्रोग्राम लिख रखा है, काफ़ी लाइनें लिख रखी हैं और बाद में हम कमांड मोड में हैं, हमें दिस स्मॉल आई प्रेस करते हैं तो कर्सर की जो पोजीशन है उसी पे वो इंसर्ट मोड में आ जाता है, मतलब आई के बाद में कुछ भी प्रेस करेंगे वो वहीं से टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि अपर केस आई हम टाइप करते हैं उसके बाद में कुछ टाइप करते हैं तो पहले अपर आई प्रेस करते ही वो जिस लाइन में कर्सर है उस लाइन के एकदम शुरू में आएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा और वहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा। लोअर केस ए लिखते हैं तो ये कर्सर जहाँ पर है उसे नेक्स्ट करेक्टर से लिखना स्टार्ट करेगा, और अपर केस ए टाइप करने पर वो उस लाइन के एंड में जाएगा और वहाँ से राइट करना स्टार्ट करेगा। नॉर्मली लोग आई प्रेस करते हैं क्योंकि कर्सर को उसी पोजीशन पर रखते हैं जहाँ से एडिट करना है, और आई प्रेस करते हैं टाइप स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है एडिटर पे, एडिट करने वाले पे, वो कैसा एडिट करना चाहता है।
तो हमें पहले कमांड, क्योंकि वीआई एडिटर जब ओपन होता है तो एक कमांड मोड में होता है, और पहली कमांड हमें एक इंसर्ट मोड के लिए प्रेस करनी है जिससे हम उसको एडिट कर सकें। जो ही हम एडिट करते हैं, आई प्रेस, इन चारों में से लोअर केस अपर केस या लोअर केस ए या अपर केस ए, इनमें से प्रेस करते हैं, तो जो नीचे की पट्टी में हेलो डॉट सी से पहले एक हाइफन लगा था उसकी जगह अपर केस में आई लिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब अब हम इंसर्ट मोड में हैं, कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ टाइप होगा, यहाँ लिखा जाएगा। और उसके बाद में हम लिखते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ एक प्रोग्राम लिखा है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मैन पैरेंथेसिस और इन कर्ली ब्रेसेस प्रिंट एफ स्टेटमेंट है विच विल प्रिंट लर्निंग सी प्रोग्रामिंग डॉट 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 न्यू लाइन। ये एक टेस्टिंग प्रोग्राम है, मैं वीआई एडिटर को भी टेस्ट कर रहा हूँ, सी प्रोग्रामिंग के कंपाइलर को भी टेस्ट कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें कर रहा हूँ। वीआई एडिटर में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हमें कमांड मोड में जाना पड़ेगा, कमांड मोड के बाद में कमांड लाइन मोड में जाना पड़ेगा, कमांड मोड में जाने के लिए हमें एस्केप प्रेस करना होता है। यहाँ पर एस्केप की यहाँ ट्रमक्स ने दिया है, इम्यूलेटर ने दिया है, हम उस पर प्रेस करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ये कमांड मोड में चला जाएगा, और कमांड मोड में जाने के बाद हम इसको कमांड लाइन मोड में ले जाएंगे जहाँ हम इसको सेव कर सकते हैं। अब सेव या क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, उनकी भी कुछ रिक्वायर्ड कमांड बताता हूँ। तो जब हम इंसर्ट मोड से एस्केप की दबाएंगे कमांड मोड में चले गए, जब हम कमांड मोड में चले गए वहाँ पर हम यदि कोलन प्रेस करेंगे, कोलन अपने एक स्पेशल करेक्टर है, तो स्पेशल करेक्टर्स की पे क्लिक करके हमको स्पेशल करेक्टर्स को ओपन कर लेंगे, वहाँ से कोलन प्रेस करेंगे तो एक कमांड लाइन मोड में चला जाएगा। कमांड लाइन मोड का मतलब है हम एक लाइन में कमांड लिखेंगे जिसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स एक से ज़्यादा हैं। कमांड मोड में हर करेक्टर एक कमांड है, हम आई प्रेस कर रहे हैं वो इंसर्ट मोड में ले जाता है, हम कुछ और कीज बताएंगे तो हर एक की एक कमांड है, लेकिन कमांड लाइन मोड में कॉम्बिनेशन ऑफ कीज एक कमांड है, सिंगल की भी हो सकती है लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ कीज, और हम सारे जो भी कीज का कॉम्बिनेशन है वो टाइप करके जो एंटर की प्रेस करेंगे तब वो एज ए कमांड बिहेव करेगी। तो अब हम एस्केप की दबा के यहाँ बाहर आ चुके हैं, उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं तो कुछ कमांड्स, अब हम कमांड मोड में, अभी हम कमांड लाइन मोड में नहीं आए, तो कमांड मोड में कुछ कमांड्स हैं, जैसे हम एच प्रेस करते हैं स्मॉल एच लोअर केस एच, तो कर्सर एक करेक्टर लेफ्ट साइड में चला जाता है, मतलब ये लेफ्ट एरो की तरह बिहेव करेगा। जब हम जे प्रेस करते हैं तो कर्सर राइट एक लाइन नीचे चला जाएगा, मतलब ये डाउन एरो की तरह बिहेव कर रहा है। के की जो है के, तो ये अप एरो की तरह बिहेव कर रही है, और एल की जो है वो राइट एरो की तरह बिहेव कर रही है। ये एच जे के एल, ये कीबोर्ड पे देखे जाए तो चारों बीच वाली पट्टी पे, बीच वाली कीबोर्ड लाइन की लाइन पे एक साथ चारों करेक्टर होते हैं। सामान्य टाइपिस्ट जो टाइप करता है वो अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को जे पर रखता है, के एल और आगे रखता है, और जे से ही एच प्रे की भी फर्स्ट फिंगर से प्रेस करता है, मतलब ये राइट हैंड के अंगुलियों के नीचे की चारों कीज हैं। हालांकि यहाँ पर अप और डाउन के डाउन एरो की सेपरेटली दी हुई हैं तो हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप ये कीज काम में लेना चाहते हो आप ले सकते हो। इसके बाद में हम देखते हैं कमांड लाइन मोड, जो ही हम कोलन प्रेस करेंगे ये कमांड लाइन मोड में चला जाएगा, उसके बाद हम W प्रेस करेंगे और एंटर की दबा देंगे तो प्रोग्राम में जो लिखा है वो सेव हो जाएगा। यदि हम Q प्रेस करते हैं तो ये क्विट को डिनोट करता है,
क्विट तभी होगा कि उसे जब हमने प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं किया, मतलब जो फाइल लिख रखी है वो पिछली बार सेव हुई थी उसके बाद में उसमें कोई चेंज नहीं किया है तो ये क्विट होगा, अदरवाइज अकेले क्यू से क्विट नहीं होगा। यदि हमें पुराने जो एडिटिंग पिछले सेव किए हुए के बाद में जो एडिटिंग किया उसको डिस्ट्रॉय करके उसको क्विट करना है तो हमें क्यू के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना पड़ेगा और बाद में एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। यदि हमें सेव करके क्विट करना है साथ में तो हम कोलन के बाद में W4 सेव, यहाँ मीनिंग इसका राइटिंग है W4 राइटिंग, Q4 क्विट, तो WQ प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम सेव हो जाएगा और वापस हम सेल में चले जाएंगे, डॉलर साइन आ जाएगा, प्रॉम्प्ट आ जाएगा जहाँ हम कंपाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक समस्या मैंने देखी, एक दिक्कत देखी, एक प्रॉब्लम देखी कि हम जो कमांड लाइन में है कोलन प्रेस किया, कोलन स्पेशल कीज में आता है, अब हमें नॉर्मल अल्फाबेट्स पे आना होता है और कई जगह होता है कि कीबोर्ड में नॉर्मल अल्फाबेट में आते समय कीबोर्ड अपनी साइज बदल लेता है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जब हम करेक्टर मोड में हैं, कीबोर्ड करेक्टर मोड में है तो ऊपर कुछ स्माइली आ रहे हैं, जो ही हम अल्फाबेट मोड में जाते हैं तो वो स्माइली चले जाते हैं जैसे कीबोर्ड छोटा हो जाता है और अब हमें डिस्प्ले में जो कर्सर दिखाई दे रहा है वो कहीं और दिखाई देता है। आप उसको इग्नोर करें, WQ प्रेस करें और एंटर की प्रेस कर दें, ये सेव हो जाएगा। ये डिस्प्ले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि VI जो एडिटर यहाँ इंस्टॉल्ड है वो बहुत पुराना है, एक बार आदत डाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। या हम कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने मेरे मोबाइल में किया तो नीचे एक साइन था जिस पर क्लिक करके मैंने कीबोर्ड चेंज कर लिया, उसके बाद मैं WQ लिखता हूँ तो उसमें क्या है कीबोर्ड अपनी जगह चेंज नहीं करता है तो WQ वहीं लिखा जाता है जहाँ पर लिखना चाहिए या जहाँ पर होता है कोलन। जो कमांड लाइन मोड है वो नीचे नीचे आता है, जो इम्यूलेटर दिख रहा है उसमें नीचे नीचे लाइन दिखाई देती है, उसमें कमांड लाइन मोड काम करता है। उसके बाद में हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन के लिए आप यूजुअल GCC स्पेस माइनस ओ स्पेस फाइल नेम स्पेस फाइल नेम डॉट सी कर सकते हो। आप चाहो तो, क्योंकि मोबाइल में टाइपिंग में मुझे जोर आता है इसलिए मैं शॉर्टकट्स अपनाता हूँ, तो सीधा GCC स्पेस फाइल नेम डॉट सी लिख सकते हो। फर्क इतना है, यदि माइनस ओ लगा दोगे तो माइनस ओ के बाद में जो वर्ड लिखा है, जैसे मैंने यहाँ हेलो दिखाया है, तो ये एग्जीक्यूटेबल बनेगा, रन करते समय इसको रन करेंगे। यदि हमने माइनस ओ फाइल नेम नहीं लिखा, सिर्फ GCC स्पेस फाइल नेम डॉट सी लिख दिया तो रन करते एक आउटपुट है वो ए डॉट आउट में आएगा और हमें रन करते समय ए डॉट आउट को रन करना पड़ेगा। मैं यहाँ GCC स्पेस हेलो डॉट सी लिख रहा हूँ और ये कंपाइल हो जाता है, कोई एरर नहीं देता है। अब हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट फाइल अपनी ए डॉट आउट है, हम ls लिख के ls कमांड से देख भी सकते हैं यहाँ क्या क्या फाइल्स हैं। और जो मैं ए डॉट आउट लिख के इसको रन करता हूँ तो आउटपुट मुझे देखने को मिलता है जो कि प्रोग्राम में हमने लिखा था, प्रिंट एफ में लिखा था learning C programming .. newline, वो यहाँ आउटपुट में आ चुका है। हम ls लिखते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं तो हमें दो फाइल्स दिखाई देती हैं, ए डॉट आउट जो आउटपुट एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी थी प्रोग्राम को कंपाइल करने पर वो, प्लस एक फाइल जो हमने बनाई थी VI एडिटर के साथ हेलो डॉट सी नाम से, ये दोनों फाइल्स यहाँ है। यहाँ पर आप पिछली कमांड अप और डाउन, अप एरो किसी पिछली और आगे की कमांड्स पे जा सकते हैं, ये यहाँ पर हमें दो अप और डाउन के एरो की दी हुई हैं। इसके बाद में हम C++ का एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ मैंने VI स्पेस हेलो डॉट CPP फाइल hello.cpp लिख के एंटर प्रेस कर दिया, जैसा C प्रोग्राम लिखते समय कर रहे थे। यहाँ पर भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, C++ का प्रोग्राम है, यहाँ थोड़ा सा बदलाव होता है studio.h की जगह हम iostream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ये इंक्लूड करते हैं और बाद में प्रिंट एफ की जगह सी आउट काम में देते हैं।
और सी आउट जहाँ भी लिखे हैं उस, वो अकेला सी आउट नहीं, वो STD:: बाद में सी आउट होता है। ऐसे ही यहाँ पर एंड एल भी मैंने लिखा है, वो भी STD:: एंड एल होता है। तो जगह जगह STD:: लगाने से अच्छा है यहाँ पर C++ में हम एक ही ऊपर ऊपर लिख देते हैं मैन के बाद, यूजिंग नेम स्पेस STD। इस तरह के और भी नेम स्पेस इसमें होते हैं, वो भी हम यहाँ लगा सकते हैं ज़रूरत के अनुसार, लेकिन मुख्यतः मैं STD जो नेम स्पेस है उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है इसलिए मैंने बाहर लिख दिया। आगे अब मैन के अंदर सी आउट और एंड एल, END:L के साथ में STD:: नहीं लगाना पड़ा। ये C++ का प्रोग्राम लिखा है, इसका आउटपुट होना चाहिए लर्निंग C++ प्रोग्रामिंग डॉट डॉट डॉट, और END:L की वजह से वो नेक्स्ट लाइन में आ जाना चाहिए, एंड ऑफ लाइन। ये प्रोग्राम लिखा है, इसको सेव कर दिया। इसको जब सेव किया तो अपना नॉर्मल सा मेथड है, हम एस्केप की प्रेस करेंगे तो कमांड मोड में आ जाएगा, उसमें हम कॉलन प्रेस करेंगे तो वो कमांड लाइन मोड में आ जाएगा, और कमांड लाइन मोड में आने के बाद में हम ज्यों ही कॉलन के बाद में WQ प्रेस करके एंटर की प्रेस करेंगे, ये सेव हो जाएगा और वापस टर्मिनल इमुलेटर पे आ जाएगा। हम सेल में आ चुके हैं, अब हम यहाँ अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। C++ में प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम G++ काम में लेते हैं कंपाइलर, तो इसको G++ फाइल नेम .cpp लिख के कंपाइल करेंगे। हमने माइनस को लिख कर आगे आउटपुट फाइल का नाम नहीं दिया तो डिफॉल्ट वही ए डॉट आउट फाइल बनेगी, पीछे वाली फाइल को हटाएगा और ये उसको ओवरराइट करके नई ए डॉट आउट फाइल बना देगा। जो ही ए डॉट आउट फाइल बन चुकी है तो उसको हम रन करेंगे और अपना यहाँ आउटपुट लर्निंग C++ प्रोग्रामिंग आ जाएगा। ये हो गया है प्रोग्राम C++ का प्रोग्राम। हम अब ls लिख के देखेंगे, यहाँ पर तीन फाइलें हैं, एक एग्जीक्यूटेबल ए डॉट आउट, एक सी प्रोग्रामिंग हेलो डॉट सी, एक हेलो डॉट cpp। ये हम ls से देख सकते हैं। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड है clear, या आप कंट्रोल की को प्रेस करें और उसके बाद में l प्रेस कर दें, उससे भी क्लियर हो जाता है। कंट्रोल एल ये लिनक्स का शॉर्टकट है मोस्टली डेबियन कम्युनिटी का। और उसके बाद में हम और कुछ टेस्ट करते हैं, तो हेलो डॉट सी प्रोग्राम जो सी प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम है उसको हम सी लैंग से भी कंपाइल कर सकते हैं। मतलब हमने जहाँ GCC लिखा था उसकी जगह CLANG लिख दें, ये कंपाइल होता है, परफेक्टली वर्क करता है। हम इसको रन करके देख सकते हैं, ये परफेक्टली वर्क करता है। मैं यदि C++ वाले प्रोग्राम को सी लैंग से कंपाइल करना चाहूँ तो ये मुझे एरर देगा। इसका मतलब CLANG या GCC लिखना यहाँ सेम रहेगा लेकिन G++ और सी लैंग सेम नहीं है। जी सी लैंग है उसमें G++ भी इंस्टॉल हुआ है लेकिन सी लैंग इज लुकिंग लाइक ए डिफरेंट, सो डिफरेंट कंपाइलर फॉर सी प्लस प्लस, बट फॉर सी इट इज फाइन। अब हम देखते हैं, जैसे मैं कह रहा था VI जो है यहाँ बहुत बेसिक VI एडिटर इंस्टॉल है, तो अपडेटेड VI एडिटर कैसे इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है वो मैंने VIM जो VI का अपडेटेड वर्जन है प्रेस किया तो ये दिखा रहा है कि आप इंस्टॉल करो या तो PKG:install::vim या PKG:install::vim-python। नॉर्मली लिनक्स में मैं vim-genome इंस्टॉल करता हूँ इसलिए यहाँ पर मैंने vim.-python इंस्टॉल करना ज़्यादा अच्छा समझा और लिख दिया PKG:install::vim-python। यहाँ पर ये डाउनलोड होगा, इसके लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। पहले अपडेट होगा, अपडेट बताएगा, हमें पूछेगा कि मैं 13.6 MB डाटा डाउनलोड करूँगा और आपकी डिस्क पे 64.5 MB डाटा स्पेस कवर करूँगा। यदि आप परमिशन देते हैं तो ये डाटा डाउनलोड करेगा आपके इंटरनेट कनेक्शन से। इंटरनेट कनेक्शन कैसा उस पर डिपेंड करेगा। मेरे मोबाइल में ये कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो गया और उसके बाद में डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद में ये इंस्टॉलेशन ऑन करेगा। इंस्टॉलेशन में कुछ सेकंड्स लेगा और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद में हम
जो ही जैसे vi.hello.c लिख के हम प्रोग्राम को ओपन कर रहे थे, उसकी जगह अब हम vim.hello.c लिख कर प्रोग्राम को ओपन करेंगे। यहाँ प्रोग्राम कम कलरफुल दिखाई दे रहा है। उसके अलावा नीचे हमें एक पट्टी दिखाई दे रही है जिसमें प्रोग्राम का नाम, आगे लाइन नंबर, कॉलम नंबर, कर्सर किस पॉइंट पर, उसके लाइन नंबर और कॉलम नंबर क्या है और प्रोग्राम कितना दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इसके नीचे आएगा कमांड लाइन मोड। और अब अपना कीबोर्ड का साइज यदि बड़ा या छोटा होता है तो उससे कमांड लाइन मोड में यह हमें गलत जगह पे कमांड लाइन नहीं दिखाएगा, यह हमें जहाँ कमांड लाइन हम दे रहे हैं वहीं पर दिखाएगा। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, और ये अपना इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग प्रोसेस पूरी हो गई। अब इसमें क्या क्या डिफरेंट है, तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनमें हम एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे इसका इंस्टॉलेशन का मेथड सीख चुके हैं। यदि आपके पास लैपटॉप है तो ऐसे किसी ऐप को इंस्टॉल करके चेक ना करें, इन पे विश्वास ना करें। मैंने ये किसी स्टूडेंट से के मोबाइल में इसको देखा, जिसमें देखा कि उसने ये इंस्टॉल कर रखा है और उसने मुझे कुछ शॉर्टकट्स पूछे थे। वहाँ पर ही मैंने ये देखा था पहली बार कि इसमें सी प्रोग्रामिंग के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, और मुझे वहाँ से ही पहली बार पता चला कि ऐसी टर्मक्स जैसी कोई ऐप भी अवेलेबल है जिसमें हम लिनक्स जैसी फीलिंग ले सकते हैं। और वहाँ से मुझे इंस्टॉल ये ऐप बहुत अच्छी लगी, और इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना के इस पर भी डाल दिया जाए। मैं ये ऐप किसी भी तरह से रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये आप अपनी रिस्क पर इंस्टॉल करें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।